प्रयागराज पुलिस द्वारा कुख्यात गौतस्कर व हिस्ट्री शीटर अपराधी मोहम्मद मुजफ्फर की 11.5 करोड़ की संपत्ति धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क की गई। प्रयागराज संवाददाता सतीश चंद्र की रिपोर्ट। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मुकदमा प्राय संख्या 235/2021 धारा 2/3 वन उत्तर प्रदेश गृह वन एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थानापुरा मुफ्ती जनपद प्रयागराज बनाम मोहम्मद मुजफ्फर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत अभियुक्त मोहम्मद मुजफ्फर पुत्र स्वर्गीय मुख्तार अहमद निवासी बेगम बाजार थानापुरा मुफ्ती जनपद प्रयागराज स्थानीय निवासी ग्राम चफरी थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज के अपराध से अर्जित अचल संपत्ति मकान नंबर 20A/15/1 नगर निगम जोन 6 लाल बिहारा बेला नगर साई मंदिर कॉलोनी पक्का मकान, दूसरा मकान नंबर 20A/15 नगर निगम जोन 6 लाल बिहारा बेला नगर साई मंदिर कॉलोनी पक्का मकान कुल क्षेत्रफल 1133 वर्ग मीटर को माननीय न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट इलाहाबाद के वार्ड संख्या D20220203000 वर्ष 2022 में पारित निर्णय आदेश दिनांक 12/9/2022 के तहत कुर किया जाता है। यदि इसमें कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत प्रवेश करेगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार विधि कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज्ञा से जिला मजिस्ट्रेट प्रयागराज। आप पहुंचिएगा सर, आज कुर्की की कार्रवाई की गई है, किसके खिलाफ की गई है, कितनी है, कितना एरिया है, किस तरीके की पूरी कार्रवाई है? ये मोहम्मद मुजफ्फर हैं, उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की गई है और ये गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई है। थाना पूरा मुक्ति में इनके खिलाफ गैंगस्टर का मामला दर्ज किया गया था जिसकी विवेचना थाना धूमनगंज से की जा रही थी और चौकी ये गमरौली है, वहाँ का ये मकान बना हुआ है जिसका टोटल एरिया 1133 स्क्वायर मीटर है और इसकी अनुमानित कीमत है वो लगभग 11.5 करोड़ की है। आगे भी इस तरीके की कार्रवाई जारी रहेगी? हाँ, आगे भी इस तरह के उनके खिलाफ जो भी प्रॉपर्टीज उनके आइडेंटिफाई होंगे उनको कुर्क किया जाएगा।